अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली डेकोर। आज हम करेंगे मेरे कॉफ़ी स्टेशन को रीडेकोर फॉर ईद। तो ईद के लिए मैं उसको डेकोरेट करूँगी, जिसमें मैं एक छोटा सा स्वीट स्टेशन भी करूँगी, ताकि जब ईद हो तो यहाँ पर मैं अपने स्वीट्स वगैरह रख सकूँ। तो वो चीज़ों को आज हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को निकाल लिया है। जो पहले मेरा डेकोरेशन जितने भी थे, मैंने वो सारी चीज़ें निकाल ली हैं और सारी चीज़ों को अलग से रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जिसके साथ हम डेकोरेट करेंगे आज। तो मेरा आज का कलर थीम है वाइट और पिंक। तो मैंने यहाँ पर ये एक फ़ोटो फ्रेम लिया है जो लास्ट ईयर मैंने बनाया था ईद के लिए, ईद मुबारक का। तो ये मैंने प्रिंट करके लगाया था इसमें, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और भी ली हैं, जैसे कप्स लिए हैं मैंने कुछ, और कुछ पिंक और वाइट कलर में कुछ डेकोरेटिव पीसेस लिए हैं। ये लैंटर्न है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो आप उसको ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर ये कैंडी जार्स हैं, तो ये भी हम यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी रखी हैं, तो हम जैसे जैसे डेकोरेट करेंगे देखेंगे कि किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, तो अब हम आराम आराम से चीज़ों को रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस जगह को शायद थोड़ा सा खाली ही रखूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर स्वीट्स वगैरह रखनी है। तो हम शुरू करते हैं पहले नीचे से। यहाँ पर मैंने एक ये बास्केट रख दी है, और मैं चीज़ें पहले रख के देखूँगी कि कैसे लग रही हैं, उसके बाद में हम एक एक से देखेंगे कि कैसे लग रहा है। आप अपनी चीज़ों को कभी भी प्लेस करें और देखें कि अगर अच्छा लग रहा है तभी आप उसको रखें। तो मैंने ये फ्रेम ले लिया, फ्रेम के साथ मैंने बास्केट को उस तरफ कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लैंटर्न रखा है, और ये जो मेरा बॉक्स है मैं नीचे के शेल्फ में रखूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर जगह चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर नीचे रख दिया मैंने। और उसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट रखा है, आर्टिफिशियल प्लांट। उसके साथ मैंने ये पिंक कलर का शोपीस रखा है, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। और इस तरफ मैं रखूँगी मेरी ये बास्केट, जिसमें मैं अपनी थ्रो ब्लैंकेट रखूँगी, ये वाली। तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है। उसके साथ मैंने एक छोटा सा पिलो भी रखा है कुशन, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। और यहाँ पर मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, तो ये सेकंड वाला कुछ इस तरह से लग रहा है। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया, ट्रे के अंदर मैंने रखा एक छोटा सा कप, कप के अंदर मैंने रखे हैं स्पून्स। और यहाँ पर ये वाली ग्लास में मैंने रखे हैं मिल्क, कॉफ़ी मिल्क। ये वाले मैंने जार में मैंने रखे हैं यहाँ पर कॉफ़ी। तो ये मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर रख ली हैं। मैंने वही चीज़ों का इस्तेमाल किया जो मेरे पास घर में है। मैंने सारी चीज़ें अपने घर से ही निकाली हैं, जो भी मैंने कहीं और यूज़ करी हुई थी वो चीज़ों के साथ मैंने डेकोरेट किया है। आप भी इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अब हम शॉपिंग करने नहीं जा सकते हैं, तो घर के चीज़ों से ही आप डेकोरेट करें। यहाँ पर मैंने फ्रेम को रख लिया है, और मैंने यहाँ से लैंटर्न निकाल दिया है। मुझे ये जगह खाली चाहिए थी, तो मैंने उस फ्रेम को रख दिया और लैंटर्न को नीचे वाले शेल्फ में रख दिया। तो कुछ इस तरह से लग रहे हैं ये दो नीचे के शेल्फ। तो यहाँ पर मैंने कैंडी जार्स को रख दिया है, फ्रेम भी मैंने रख दिया है, कैंडी जार्स भी रख दिया है। तो अब तक तो कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ऊपर वाला शेल्फ है वो, और कप्स। यहाँ मैंने कप्स को लगा लिया है, तो ये थोड़ा सा कलर भी देता है। और यहाँ पर ऊपर के शेल्फ में मैंने रख दिया है एक फ्लावर वास। और यहाँ पर मैंने ये स्टिकर लगाया था कॉफ़ी टाइम, ये पिछली बार नहीं आया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन आया नहीं था, तो जब आ गया तो मैंने लगा दिया उसको। यहाँ पर मैंने जार्स रख दिया है, अब मैं इसमें स्वीट्स रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल लिए हैं, सारी चीज़ें फिल कर लिए हैं। ये है शबकिया, ये मरकॉन स्वीट है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है जलेबी। जलेबी तो सबको पता होती है, बहुत मज़े की होती है, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर इसमें मैंने रख दिया कुछ बिस्किट्स, और इसके नीचे के इसमें मैंने रखे हैं चॉकलेट्स।
तो इस तरह की चीज़ें हम जब रखते हैं तो बच्चों को ईद के लिए स्पेशल फील होता है, तो हमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए ताकि बच्चों को पता चले ईद की भी अहमियत और हमें भी अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें करने से। तो कुछ इस तरह से लग रहा है मेरा कॉफ़ी स्टेशन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही कलर के हैं तो मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए ये सामने आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। मैंने उन्हीं चीज़ों के साथ डेकोरेट किया है जो मेरे पास घर पे हैं, तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप अपनी जगह को नया लुक दे सकते हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने एक और आर्टिफिशियल प्लांट रखा है कि थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, तो कुछ इस तरह से लग रहा है ये। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है, इससे आपको कोई आइडियाज़ मिलते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी इसी तरह के वीडियोस आगे भी आएंगे। आने वाले वीडियो में मैं टेबल सेटिंग के लिए भी एक वीडियो आएगा, जो आप ईद के लिए अपने टेबल को किस तरह से आप सेट कर सकते हो, तो वीडियो ज़रूर देखें। और मेरी तरफ से सबके लिए बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अपना ख्याल रखें, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।